A very good morning. Hello student. I'm your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you student? I hope you all are fine. Today I'm teaching you EVS. Now I'm going to take up chapter 4 natural disaster. So student, chapter 4 natural disaster ये आपके EVS के SST portion का chapter 4 है जिसका name है natural disaster. Okay. तो ये chapter students हम read कर चुके हैं. आज हम करेंगे इसकी exercise. तो students exercise पहले आप अच्छे से समझेंगे, उसके बाद अपनी बुक में फिल करेंगे और उसके बाद आपका होमवर्क है कि आप इसे लर्न करेंगे. ओके, तो फर्स्ट दिया है टिक द करेक्ट आंसर. टिक द करेक्ट आंसर मीन्स होता है जो आंसर करेक्ट है उसे टिक करना होता है. ओके, तो फर्स्ट आपको दिया है नेचुरल कैलमिटीज आर यू कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ नेचर, बी एनिमल, सी मैन, डी नन ऑफ दिस. तो आंसर क्या है इसका, ए नेचर. ओके, सेकेंड दिया है अर्थक्वेक इन हिली एरिया कैन कॉज ए स्नोफॉल, बी लैंडस्लाइड, सी रेन, डी नन ऑफ दिस. तो हिली एरिया पहाड़ों के उसमें यदि अर्थक्वेक आता है तो क्या कॉज हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, लैंडस्लाइड आता है. तो आंसर क्या है इसका, बी लैंडस्लाइड. ओके, थर्ड दिया है अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज मेजर ऑन द, जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है उसको किससे मेजर की जाती है, ए रेक्टर स्केल, बी वेक्टर स्केल, सी रिचर स्केल, डी नन ऑफ दिस. तो आंसर क्या है इसका, सी रिचर स्केल. ओके, फोर्थ दिया है फ्लड जनरली अक्कर व्हेन देयर इज अ हैवी, जब फ्लड जो आता है, जब हैवी क्या होती है, ए रेनफॉल, बी स्नोफॉल, सी हेलिंग, डी नन ऑफ दिस. तो क्या होती है, हैवी रेनफॉल. तो आंसर क्या है, ए रेनफॉल. ओके, नेक्स्ट आपको दिया है सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट आपको दिया है एनजीओ, स्टैंड फॉर एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सेकंड दिया है अर्थक्वेक अकर बिकॉज ऑफ, अर्थक्वेक आता है क्यों, डिस्टर्बेंस इन द मोशन ऑफ प्लेट, जो प्लेट्स होती हैं उसके उसमें डिस्टर्बेंस होता है तो क्या आता है, अर्थक्वेक आता है. ओके, थर्ड दिया है डैश आर नेसेसरी टू अवॉइड पैंडमिक, पैंडमिक को अवॉइड करने के लिए क्या जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है, लोगों में जागरूकता जरूरी है. फोर्थ है लेक ऑफ रेन और सेंटी रेनफॉल रिजल्ट इन, जब रेन नहीं होती है और सूखा पड़ जाता है तो इसके कारण क्या होता है, ड्रफ होता है, DROUGHT, ड्रफ. ओके, फिफ्थ है द आउटब्रेक ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ, मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीजेस का आउटब्रेक होना लार्ज स्केल पर उससे क्या होता है, पैंडमिक होता है, महामारी होती है. ओके, नेक्स्ट आपको दिया है राइट ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू राइट एफ इफ इट इज फॉल्स, यदि स्टेटमेंट सही है तो टी लगानी, यदि गलत है तो एफ लगाना. ओके, तो फर्स्ट दिया है वी अस इंडिविजुअल कैन डू अ लॉट टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम, जो अर्थक्वेक से पीड़ित होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं उनकी हम बहुत ज्यादा मतलब हेल्प कर सकते हैं, अकेले भी बहुत हेल्प कर सकते हैं उनकी, यस ट्रू. सेकेंड है साइक्लोन कैन बी कंट्रोल बाय ह्यूमन बींग, साइक्लोन ह्यूमन बींग से कंट्रोल हो जाता है, नो फॉल्स. थर्ड है विक्टिम्स ऑफ फ्लड नीड नो हेल्प फॉर द कम्युनिटी, विक्टिम्स ऑफ फ्लड को कम्युनिटी की कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं होती है, गलत फॉल्स. फोर्थ लिखा है ड्रफ डज नॉट मस्ट टू डैमेज, ड्रफ से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, गलत फॉल्स. फिफ्थ लिखा है वे शुड नॉट हेल्प थोस टेकन बाय नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर से जो वो होते हैं उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए हमें, तो गलत फॉल्स. नेक्स्ट आपको दिया है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, ये अभी आपको टू कॉलम्स दिए उनको मैच करना है. फर्स्ट लिखा है अर्थक्वेक, वो जाएगा बी के, ई पे रिचर्ड स्केल, एक ए के सेकंड पे लिखा है फ्लड, वो जाएगा बी के, डी पे हैवी रेनफॉल, ए के थर्ड पे लिखा है सुनामी, वो जाएगा बी के, बी पे अंडर सी डिस्टर्बेंस, ए के फोर्थ पे लिखा है ड्रफ, वो जाएगा बी के, सी पे टी रेनफॉल, ए के फिफ्थ पे लिखा है पैडमिक, वो जाएगा बी के, ए पे कम्युनिकेबल डिजीज. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गई एक्सरसाइज चैप्टर 4 नेचुरल डिजास्टर की. आप अपनी बुक में से अच्छे से फिल करेंगे और उसके बाद आपका होमवर्क है कि आप इसे लर्न करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स.